रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के होटल में कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की हत्या के मामले में प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पीड़िता के परिवार से कानपुर में जाकर मुलाकात की और मृतक मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता को कानपुर विकास प्राधिकरण में ओएसडी के पद पर तत्काल नियुक्ति करते हुए आर्थिक सहायता भी दी है। गौरतलब है कि मंगलवार की देर रात गोरखपुर स्थित रामगढ़ताल के समीप एक होटल में अपने दोस्तों के साथ घूमने आए मनीष गुप्ता की पुलिस ने चेकिंग के दौरान पीट कर हत्या कर दी थी, जिसको लेकर एसएसपी ने 3 पुलिसकर्मियों पर नामजद और 3 पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। उधर अपने पति का शव लेकर कानपुर पहुंची मीनाक्षी गुप्ता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई थी, जिसको देखते हुए गुरुवार को कानपुर के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उनकी सभी मांगों को पूरा करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतक मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता को कानपुर विकास प्राधिकरण में ओएसडी पद पर नौकरी दिया और आर्थिक मदद भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मनीष गुप्ता के पुत्र के पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी उठाने का भी आश्वासन दिया। फिलहाल मनीष गुप्ता को लेकर हो रही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिसका पूरा जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित के परिवार से मिलकर दिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि विकास के नाम पर जनता का पैसा खाने वाले अब घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। मामला कुछ भी हो, लेकिन पुलिस की लापरवाही का खामियाजा एक परिवार को भुगतना पड़ा, लेकिन प्रदेश सरकार ने भी पीड़ित परिवार की मांग पर उनकी सभी मांगों को पूरा करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए हैं। एक समय उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था, ये कौन लोग हैं? भाइयों बहनों, ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति का अपराधीकरण किया था और अपराधियों का राजनीतिकरण करके उन्हें सत्ता अधिष्ठान में काबिज होने का, विकास पर जबरन कब्जा, विकास की परियोजनाओं पर जबरदस्ती डकैती डालने की छूट दी थी। ये वही लोग हैं जो आज घड़ियाली आंसू बहाने के बहाने आपके पास आने का प्रयास कर रहे हैं। आज मैं देख रहा था, मेरा कार्यक्रम पहले से कानपुर में है और मुझे देखकर आश्चर्य हो रहा था। 2 दिन पहले गोरखपुर में एक दुखद घटना घटित हुई और भाइयों बहनों, मैंने उसी दिन गोरखपुर पुलिस को कहा था कि इसमें तत्काल मुकदमा दर्ज होना चाहिए और दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा, अपराधी अपराधी होता है। और भाइयों बहनों, और मैंने कल ही सुबह यहां के जिला प्रशासन को भी कहा था कि पीड़ित परिवार से मैं मिलना चाहूंगा, क्योंकि एक दुखद घटना घटित हुई है, उसकी पीड़ा के साथ जुड़ना हमारा दायित्व है और इसके लिए जो भी दोषी होगा कोई पक्षा नहीं जाएगा और सबकी जवाबदेही तय करेंगे। आपको मालूम है अपराध और अपराधियों के प्रति हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति एक किसी से छुपा हुआ नहीं है और सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया है। कानपुर तो इसका जीता जागता उदाहरण है और इसीलिए आज मैं आपके बीच आया हूं कि वे लोग जिन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को कभी गिरवी रखा था पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने, उनके बारे में ये कहावत बहुत अक्सर सही बैठती है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज करने चली। और भाइयों बहनों, इन लोगों की स्थिति आज वही है। ये लोग कोई ऐसा अवसर नहीं गवाते जो प्रदेश को बदनाम करने, प्रदेश में अराजकता पैदा करने, पेशेवर अपराधियों के खिलाफ और माफियाओं के पैरवी करने और प्रदेश को हर स्तर पर प्रदेश के नागरिकों को दी जाने वाली योजनाओं के माध्यम से कहीं ना कहीं कभी ये लोग डकैती डालते थे। आज जब योजनाएं नागरिकों को मिल रही है, इन्हें बुरा लग रहा है। आज इनको परेशानी कब होती है? जब किसी गरीब को शौचालय मिल जाता है, किसी गरीब को आवास मिल जाता है, किसी वृद्ध को वृद्धावस्था पेंशन, किसी निराश्रित महिला को निराश्रित महिला पेंशन और किसी दिव्यांगजन को दिव्यांगजन पेंशन मिलती है, किसी किसान सम्मान निधि, किसी किसान को किसान सम्मान निधि से सम्मानित किया जाता है,